नमस्कार, हिमालिनी में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। नेपाली मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद भी भारत और नेपाल के वाहनों का आवागमन शुरू नहीं हो सका है। सीमा पर दोनों देशों की जनता बेहाल है। आइए हम सुनते हैं बेहाल जनता की कहानी। यह रिपोर्ट भेजी है जनकपुर धाम से मिश्री लाल मधुकर ने। आपको बता दें, इसमें हम पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री उपेंद्र यादव और श्री राजेंद्र महतो के साथ साथ वहां की जनता की भी प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे। सीमा खोलने की देउआ मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद दोनों देशों के बीच खुशहाली छा गई। सुबह होते होते जटी भिट्टा मोड़ सहित अन्य बॉर्डर पर दोनों देशों के वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोग भंसार कार्यालय पर एकत्र हो गए। कोई अपनी बूढ़ी माँ से सपरिवार मिलने की आशा लिए उस पल के इंतज़ार में थे, तो कोई सपरिवार जानकी मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। लेकिन भंसार कर्मचारी ने कह दिया कि अभी नेपाल सरकार का परिपत्र नहीं आया है। कमोवेश उघापो की स्थिति भारत सीमा पर तैनात SSB के साथ भी था। वो भी अपने हेड कार्यालय से सूचना के इंतज़ार में थे। घंटों इंतज़ार के बाद जब सीमा नहीं खुली तो लोग मायूस होकर वापस लौट गए। कईयों का बना सनेस पकवान पड़ोसियों को बांटना पड़ा। लोग तब से इंतज़ार में थे कि कब बॉर्डर खुलेगा। भिट्टा मोड़ में सरोवर रथ के बस काउंटर सूने थे। बस के इंचार्ज ने कहा कि भारत नेपाल सीमा होने से यात्री कम आ रहे हैं। भिट्टा मोड़ के अन्य व्यापारी भी मायूस दिखे। कोरोना को लेकर 1.5 वर्ष से बॉर्डर बंद होने से दुकानों की बिक्री कम होने से परिवार चलाने में कठिनाइयां हो रही हैं। बॉर्डर बंद होने के बारे में पूछे जाने पर पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र महतो ने कहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पास कर दिया है। यह मगेशी के साथ ताज़ा धोखा है। इसमें भी भेदभाव नज़र आ रहा है। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव ने कहा कि जब मंत्रिमंडल ने पास कर दिया है तो बॉर्डर खुलेगा ही। हाँ, कुछ समय और लग सकता है। इधर स्थानीय समाचार पत्रों में रोहतक तथा सरलाही जिलों में भारतीय वाहनों को भंसार शुल्क लेकर नेपाल प्रवेश की खबर धनुषा महोत्री जिला सीमावर्ती भारतीय नागरिकों में खुशी छा गई। लेकिन जनकपुर धाम के भंसार अधिकृत प्रमोद दास ने कहा कि अभी तक कोई परिपत्र नहीं आया है और जटही सीमा से भारतीय वाहनों का आना फिलहाल बंद है। व्यापार पर बहुत असर पड़ लिया के आदमी के या इंडिया के आदमी के आवे जाए में बहुत सारा परेशानी हुई है। ककरो सामान ले देते हैं, किसको ले देते हैं, या कोई काम है इंडिया के आदमी के नेपाल में कोई काम है तो बहुत सारा परेशानी झेले पड़ी है, क्योंकि गाड़ी घोड़ा सब बंद है, बहुत सारा समस्या हुई है। नेपाल और भारत के बीच के जितने भी सीमा ना उन सबको खुला करने का निर्णय नेपाल सरकार ले चुकी है, ताकि दोनों देश के लोगों को, सीमावर्ती लोगों को आने जाने और अपने कारोबार करने में कोई समस्या ना हो। और हमें आशा है कि भारत सरकार भी ऐसा ही सोच रही है। लेकिन मंत्रिमंडल पास करने का जो परिपत्र नहीं जारी होने का कारण क्या है? मंत्रिमंडल का निर्णय जा चुका है और वो कार्यान्वयन होगा। तब तक संभावना है? तुरंत, बहुत जल्द। लेकिन एक सप्ताह नहीं, अब शुरू हो जाएगा उसका काम। औचित्य नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी सीमा को बंद रखा गया है जनता को परेशान करने के लिए। जनता को परेशानी बढ़ रही है, दैनिक जीवन में कठिनाई हो रही है, इसलिए अविलंब सीमा को खोलना चाहिए। अभी जो कोरोना के कारण बंद किया गया था विगत में, अभी सावधानी अपना करके सीमा को खोलना चाहिए, सुचारू करना चाहिए, जिससे कि जनता का आवाजावत। इसमें भी मधेसी और पहाड़ी की तरह कोई भेदभाव है? मधेसी
वे है कि सीमा क्षेत्र में रहने वाली जनता परेशान है, तो ज़्यादा प्रभावित तो सीमा क्षेत्र की जनता होती है। सीमा क्षेत्र में कौन जनता रहते हैं वो पता है, इसलिए हमारी संवेदनशीलता को सरकार कभी ठीक से दिया नहीं, और इस विषय को भी सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ नहीं लिया है, प्रमाण है। नहीं तो सीमा को इस प्रकार से अवरोध रखने का कोई तुक नहीं है। इसको जवाब तो सरकारी पक्ष ने दी, मोदी ने बोला गठबंधन पूरी प्रकार को सरकार बनाए सरकार में जाने को नहीं, पहले समझते सुख नहीं चिंता भाई साहब, हम उनका पकड़ लें। अच्छा, बॉर्डर बंद होने से, नेपाल और भारत की बॉर्डर बंद होने से आपके बस पर भी प्रभाव पड़ा है? बस पर प्रभाव पड़े तो हर चीज का प्रभाव पड़ा है कि बसे पर पड़ा है। मुख्यमंत्री भिखा मत चौरा के यह दशा रहता था, यहाँ के मार्केट पर ज्यादा प्रभाव पड़ा, मार्केट तो साफ खत्म हो गया, यहाँ के मार्केट की रौनकता समाप्त है। क्या नाम हुआ आपका? हाँ हाँ बजू कुछ बॉर्डर के लिए। बॉर्डर बंद होने से यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, मीठा मोटी आर्थिक स्थिति तो और दयनीय हो गई है, लोग आ जा नहीं रहे हैं। अब न यहाँ के लोग वहाँ जा पाते हैं। सबसे ज्यादा समस्या तो जो बाहरी लोग आते हैं जनकपुर घूमने के लिए, उनके लिए परेशानी हो जाती है। दोनों सरिया को बना। क्या नाम हुआ आपका? रमन पांडे, भारतीय मूल का नेपाली नागरिक। भारत नेपाल की सीमा बंद होने से क्या आपको? सीमा बंद नहीं हुआ, इसको ऐसे लिया जाए कि कोरोना के नाम पर, कोविड तो कोरोना के नाम पर दो राष्ट्रों के बीच जो रोटी बेटी रोजगार की संबंध है, 1850 किलोमीटर की जो हमारी खुली सीमा है, इसमें आवागमन बंद होने से यहाँ इलाज से लेके और रोजी रोटी का समस्या पैदा हो गया साहब। कोविड नियंत्रण हुए काफ़ी दिन हो गया, फिर भी मैं तो कहूँगा भारत सरकार की कोई गलती नहीं है। भारत सरकार ने निर्णय किया है हाल में, अभी भी नेपाल सरकार नहीं खोल रही है। ये सभी मधेसी के प्रति जो विभेद है नेपाल में, उसका द्योतक है, और मधेसियों को अभी भी दो नंबर की नागरिक समझी जाती है। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, जो मधेस को अभी भी नेपाली नागरिक समझा जाए, नहीं तो मधेस को बाध्य नहीं किया जाए। आपने देखा होगा कि अभी भी यहाँ पे अधिक संख्या में सशस्त्र सीमा बल की उपस्थिति है नेपाल की ओर से। तो सवाल यह है, जहाँ पहले 25-30 पोस्ट हुआ करती थी, अभी 125 पोस्ट खड़ा कर दिया गया है। कहे साहब, एक नमक लेके भी नेपाल लोग जाता है तो 10 बार चेक कर किया जाता है, हमारे बहन बेटियों को देखा जाता है। ये चाइना, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक तरह से कहा जाए तो यह बॉर्डर नेपाल, यह उपस्थिति जो सशस्त्र सीमा बल की है नेपाल वालों की, यह नेपाली प्रहरी कम और चाइनीज प्रहरी अधिक, क्यों काहे किया गया है? तो बॉर्डर अभी भी नहीं खोली जा रही है और इस तरह से परेशान किया जा रहा है, खास करके हमारे पूर्वज राष्ट्र भारत की ओर से खोल दी गई है, और मधेसी नेपालियों को परेशान करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। आपका नाम? अब क्या व्यवसाय है? ये बॉर्डर बंद होने से क्या समस्या हुई बस के पैसेंजर वगैरह को? पैसेंजर के ऊपर जो समस्या है ये है, जब आप ये नहीं आ रहे तो परेशानी कहाँ से? जब बॉर्डर पर चले तो पैसेंजर की समस्या है ये है, यहाँ के रोजगार की समस्या है, चौराहे के देखिए कि क्या नजारा है चौराहे का। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? आप क्या कहना चाहते हैं भारत नेपाल सीमा जो बंद है? भारत नेपाल संबंध होने से दोनों देश पर बुरा असर पड़ रहा है। गाँव वहाँ के नागरिक यहाँ रहे ना, यहाँ के नागरिक वहाँ जा रहे हैं। नेपाल और इंडिया का बेटी रोटी का संबंध है, और यहाँ का बाजार चौपट हो गया है, लोग बीमार
पढ़ते हैं, इलाज के लिए लोग पटना जाते हैं, उन लोगों को भी ज़्यादा समस्या हो गया है, वो जा नहीं पाते हैं।